गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है सैलियंट फीचर्स ऑफ फैमिली रैनैनकुलेसी। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लास डाइकोटोलेडिनी, सब क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर रैनेल्स और फैमिली रैनैनकुलेसी। क्लास डाइकोटोलेडिनी मीन्स जो इसमें कोटिलेडन्स की संख्या कितनी होगी, दो, यानी द्विबीजपत्री। सब क्लास पॉलीपेटिली, पेटल्स आर फ्री, दल जो होंगे वो स्वतंत्र होंगे। सीरीज है थैलेमीफ्लोरी, यानी यहाँ पर पुष्प जो होगा उसके अंदर जो थैलेमस है वह कैसा डोम शेप्ड है। पुष्प हाइपोगाइनस है, जायांगधर है, अर्थात जो पुष्प के अन्य चक्र हैं वह ओवरी से नीचे की तरफ से निकलते हैं, यानी ओवरी सुपीरियर होती है और अन्य जो चक्र होते हैं वह ऐसे सेपल से, पेटल से, स्टैमन से, वह सब उसके नीचे से निकलेंगे। ऑर्डर रैनेल्स, इसके अंदर जो स्टैमन्स होते हैं वह इनफाइनाइट होते हैं। अंडब जो होता है यहाँ स्वतंत्र है, फ्री कार्पल्स हैं। फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है और बाइसेक्चुअल है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब अगर हम उसको दो या अधिक तलों पर काटें, प्लेन्स में काटें, तो इक्वल हाफ्स बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक हम कहेंगे। बाइसेक्चुअल यानी द्विलिंगी है, यानी पुष्प के अंदर फीमेल और मेल ऑर्गन्स दोनों उपस्थित हैं। फैमिली रैनैनकुलेसी का क्या कैरेक्टर होता है, एक तो ये हर्बेसियस है, कार्पल्स इसमें फ्री हैं, एपोकार्पस है। कैलिक्स कैसा है, पेटलॉइड, यानी कैलिक्स जो है उसका कलर पेटल्स के समान ही है, यानी आप सेपल्स और पेटल्स को विभेदित नहीं कर सकते। स्टेमन्स इनफाइनाइट है और स्पाइरली अरेंज्ड है। तो थैलेमोफ्लोरी जो सीरीज होती है इसके इसका एक कैरेक्टर और होता है कि ये पॉलीसेपल्स और पॉलीपेटल्स फ्लावर इसके अंदर आते हैं। रैनैनकुलेसी जो एक फैमिली जो है इसको हम बटरकप फैमिली या क्रोफूट फैमिली भी कहते हैं। इसके अंदर 51 to 88 जेनरा आते हैं, लगभग 2500 स्पीशीज इसमें हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जेनरा जो हैं वह हैं रैनैनकुलस, डेल्फिनियम, थैलिक्ट्रम, क्लीमेटिस एंड एकोनिटम। रैनैनकुलेसी आर मोस्टली हर्बेसियस प्लांट, शाखी होते हैं, लेकिन जो क्लीमेटिस है वह वुडी क्लाइंबर है। इसके अलावा रैनैनकुलस एक्वेटिलिस जो है वह जलीय पादप है। लीव्स जो इसमें होती हैं वह पामेटली कंपाउंड होती हैं। फ्लावर्स हम देखें रैनैनकुलेसी में तो शोई, मीडियम टू लार्ज इन साइज और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। तो इसमें जो पॉलिनेशन का जो प्रकार है, परागण का प्रकार, वह कीट परागण है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रेडियली सिमेट्रिकल हैं। पेरियंथ इज मेड अप ऑफ वन और मोर कॉमनली टू वर्ल्स में होंगे, मींस और यानी कैलिक्स और कोरोला में विभेदित जब नहीं होता ठीक से तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियंथ। इसमें जो सेपल्स होते हैं वह पेटल्स के कलर के ही होते हैं। फ्लावर इसमें देखें फ्री स्टैमन्स इसमें होते हैं जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। मैनी ओवरीज मैनी होती है, फ्री पिस्टल जो है वो फ्री इसमें होता है, यानी एपोकार्पस कंडीशन इसे हम कहते हैं। कार्पल्स आर फ्री, एपोकार्पस कंडीशन इसे हम कहते हैं। फ्लावर्स अगर हम देखें तो यहाँ इन्फ्लोरेसेंस का प्रकार है टर्मिनल रेसिम्स या पैनिकल्स और साइम्स होता है। फ्रूट जो कॉमनली फॉलिकल होता है, हेलीबोरस और नाइजेला में फॉलिकल है, या एकीन हो सकता है, ग्रुप ऑफ एकीन होता है एक्चुअली, जहाँ पर रैनैनकुलस और क्लीमेटिस में। रैनैनकुलस को हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्लावर कितने अट्रैक्टिव येलो कलर्स के दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप लीव्स को यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पामेटली कंपाउंड लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं। स्टैमन्स भी आपको यहाँ पर कितने सारे दिखाई दे रहे हैं, न्यूमरस आपको स्टैमन्स दिखाई दे रहे हैं। एक आपको यहाँ पर इंसेक्ट भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इसके जो फ्लावर्स हैं काफ़ी शोई हैं, थोड़े बड़े से हैं
और यह कीटों को आकर्षित करते हैं, तो इसमें पॉलिनेशन का जो प्रकार है वह कीट परागण यानी एंट्रिमोफिलस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम रेनन्कुलस स्क्लेरेटस, रेनन्कुलस स्क्लेरेटस जो है इसको हम बटरकप या जल धनिया भी कहा जाता है। हैबिट हम देखें तो ये एनुअल हर्ब है। रूट्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, प्रारंभ में टैप रूट होती है जो बाद में एडवेंटिशियस रूट्स द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। तना हमने देखा कि ये हर्बेसियस ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, एरियल होता है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल होता है और ब्रांच्ड है। पत्ती हम यहाँ पर देखें तो कोलाइन है और रेमल दोनों ही हैं, एकांतर है यानी अल्टरनेट है, एक्स स्टिपुलेट है यानी स्टिप्यूल नहीं है। स्टिप्यूल क्या होता है, पत्ती के नीचे अगर कोई स्केली लीफ जैसे स्ट्रक्चर है उसको हम स्टिप्यूल कहते हैं, तो यहाँ पर स्टिप्यूल नहीं है इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्स स्टिपुलेट। पत्ती में व्रंथ है, सव्रंथ है यहाँ पर पत्ती। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि जो पत्ती होती है वह ग्लैब्रस होती है यानी अरोमिल होती है। शिराविन्यास यानी वेनेशन हम देखें तो मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट यानी बहुशीर्य जालिका वत शिराविन्यास पत्ती में देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस आप यहाँ देख सकते हैं, डाइकेजियल साइम है, फ्लावर में ब्रैक्ट भी हैं और ब्रैक्टियोलेट भी हैं, पेडिसिलेट है, कंप्लीट है यानी चारों चक्र इसमें है, सेपल्स पेटल्स स्टैमंस और कार्नेशन चारों इसमें हैं, बाइसेक्चुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है और पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस है। कैलिक्स हम देखें तो कैलिक्स जो होता है पांच सेपल से मिलकर बना हुआ होता है, पॉलीसेपलस होता है, पेटेलोइड होता है यानी इसका कलर भी कैसा होगा, सेपल्स पेटल्स की तरह ही होगा। क्विनक्विंशियल इसका एस्टिवेशन होता है। कोरोला हम देखें तो ये जो होता है पांच दलों से मिलकर बना हुआ होता है, पॉलीपेटलस होता है यहाँ यह। एंड्रोशियम हम देखें स्टैमंस इनडेफिनेट होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन यहाँ है, यहाँ पर है, स्पायरली अरेंज्ड हैं। और हम देखें एंथस बाइथिकस हैं, एक्स्ट्रोस हैं और अब बेसिक फिक्स्ड यानी जो फिलामेंट जो है वह एंथर के एकदम नीचे बेस पर लगा हुआ है, इसे हम बेसिक फिक्स्ड कंडीशन कहते हैं। गाइनोशियम हम देखें तो ये मल्टी कार्पलरी है, एपोकार्पस है, ओवरी कैसी है सुपीरियर यूनिलोक्युलर होती है, सिंगल ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, बेसल प्लेसेंटेशन, यहाँ प्लेसेंटेशन कैसा है बेसल, आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओव्यूल कहाँ लगा हुआ है, बेस पर, प्लेसेंटा के नीचे बेस पर लगा हुआ है ओव्यूल, तो यह जो प्लेसेंटेशन है यहाँ पर वो बेसल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट हम देखें तो एटेरियो ऑफ एकिन्स यानी एकिनों का पुंज रेनन्कुलस में होता है। यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला हम रेनन्कुलस का देखें तो आप ये देखो ब्रैक्ट ब्रैक्टियोलेट भी है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्चुअल है। जो कोरोला है जिसमें हम सेपल्स हम के पाँच हैं, पेटल्स भी फाइव है, फ्री हैं। एंड्रोशियम जो है न्यूमरस स्टेमंस इसमें हैं, गाइनोशियम सुपीरियर है इसलिए नीचे लाइन होती है और इनडेफिनिट है मतलब बहुत मल्टी कार्पलरी है इसलिए अल्फा हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसके आप फ्लोरल डायग्राम आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। ब्लैक कलर का ये मदर एक्सिस है यानी पुष्प जो स्टेम पर कैसे पुष्पाली वंत जो होता है वहाँ, तो फ्लावर की जो पोजीशन होती है वह एक्सिस जिस तरफ से वो लगा हुआ है वहाँ से अगर हम फ्लावर बनाना शुरू करते हैं तो इसको शो करते हैं कि मदर एक्सिस है। आप यहाँ इजीली ब्रैक्ट ब्रैक्टियोलेट सेपल्स पेटल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये डेल्फिनियम है, आप देखिए कितना अच्छा कलर डार्क इसमें वॉयलेट कलर का पर्पल बैंगनी यहाँ पर है। इनफ्लोरेसेंस आप इस फोटो में इजीली देख सकते हैं कि ये रेसिमोस प्रकार का रेसिम है, उस प्रकार का आप इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हैं। एक यहाँ पर आपको फ्लावर के अंदर स्पर दिखाई दे रहा होगा जिसको हम बाद में यहाँ देखेंगे, ये स्पर फ्लावर के साथ स्पर यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम डेल्फिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको हम लार्क स्पर भी कहते हैं, रॉकेट लार्क स्पर। हैबिट इसका ये हर्ब होता है और शोभाकारी पादप है, ये ऑर्नामेंटल है। रूट इसके अंदर टैप रूट है, स्टैम हम देखें हर्बेसियस है, एरियल है,
लीफ कोलाइनोडेमल यानी मेन स्टेम पे और ब्रांचेस दोनों पर है, अल्टरनेट है। और आप यहाँ पर देखें लीव्स आपको दिख रही होंगी सेसाइल हैं यहाँ पर। इसके अलावा हस्ताकार पालीदनी पामेटिफिड हैं, मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पर है, इनफ्लोरेसेंस जैसे हमने देख लिया था, रेसिमोस रेसीम है यहाँ पर। फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट और ब्रैक्टुलेट्स दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, हाइपोगाइनस है, पेंटामेरस है, कंप्लीट है, बाइसेक्चुअल है, लेकिन ये जाइगोमॉर्फिक है, ये एक्टिमोमॉर्फिक नहीं है, यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक है, यानी एक ही तल से हम काटेंगे तो इक्वल हाफ बनाएंगे, अगर किसी और तल से हम काटेंगे तो वह यानी दूसरे प्लेन से हम काटेंगे तो वह इक्वल हाफ्स नहीं बनाता। तो एक ही ऐसा प्लेन है जब ये दो हाफ्स इक्वल हाफ्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्प है वह एकव्यास सममित यानी जाइगोमॉर्फिक है। कैलिक्स जो है यहाँ जो हम देखें तो ये पांच सेपल से मिलकर बना है, पॉलीसेपलस, पैटेलोइड यानी जो सेपल्स हैं उनका कलर भी कैसा है, पैटल्स के समान यानी पर्पल। जो पोस्टीरियर सेपल होता है जो मदर एक्सिस की तरफ है, पोस्टीरियर सेपल जो है मदर एक्सिस की तरफ है वह स्पर बनाता है, बाहर की तरफ लंबा सा हो जाएगा, शुंडी का जैसा आ जाएगा। कोरोला हम देखें तो फाइव दल से मिलकर बना हुआ था, फोर इसमें पेटल्स होते हैं, वेलवेट उनका एस्टिवेशन होता है। पोस्टीरियर के जो दो पेटल्स हों मिलकर क्या बनाते हैं, स्पर बनाते हैं। कलर आप पेटल्स का यहाँ बैंगनी आपने देखा, वायलेट कलर है। एंड्रोशियम यहाँ पर 15 इसमें होते हैं, 15 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन यहाँ पर होती है, एंथर बाइथिकस होते हैं, एक्सट्रोस और बेसिफिक्स्ड होता है। जायंग गाइनोशियम हम देखें मोनोकार्पिलरी, ओवरी सुपीरियर, यूनिलोक्युलर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन यहाँ पर होता है, आप ये देख सकते हैं प्लेसेंटेशन, आप देखो मार्जिन पे लगे हुए हैं ओव्यूल। फ्रूट इसमें फोलिकल होता है, ये देखो ये स्पर आपको यहाँ इजीली दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये फ्लोरल डायग्राम आप देख लीजिए। अब यहाँ देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, ब्रैक्ट ब्रैक्टुलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्चुअल है, और सेपल्स कितने, फाइव, पेटल्स फोर हैं। इसके अलावा एंड्रोशियम 15 है, यहाँ पर गैमोपेटलस कंडीशन है। इसके अलावा जो ओवरी है वो कैसी है, सुपीरियर इसीलिए हमने, और मोनोकार्पलरी है इसीलिए वन लिखा हुआ है, सुपीरियर है इसीलिए नीचे की तरफ लाइन है इसमें। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेनुनकुलेसी, फर्स्ट है कंडीमेंट, मतलब इसको मसालों के रूप में भी हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं, जैसे नाइजीला सेटाइवा, हिंदी में इसको कलौंजी कहते हैं, पिकल्स अचार में हम इसको यूज़ करते हैं, स्पाइसेस में यूज़ होता है यह नाइजीला सेटाइवा। मेडिसिनल, सेकंड मेडिसिनल है इसका इम्पोर्टेंस। फर्स्ट हम देखें तो एकोनिटम हिरेरोफिलम और एकोनिटम नेपेलस, इससे जो एक एल्कलोइड मिलता है एकोनिटम, इसका उपयोग एक्यूट एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस सूजन में उपयोग में लाया जाता है। थैलिक्ट्रम की रूट से एक मामीरा करके कोई केमिकल मिलता है जिसका उपयोग ऑप्थेल्मिया यानी नेत्र शोथ में इस्तेमाल किया जाता है। एनिमोन पल्सेटिला इज मोस्टली यूज्ड इन फेमिनाइन डिजीजेस एंड इन गैस्ट्रिक डीरेंजमेंट्स, अगर गैस्ट्रिक डीरेंजमेंट मतलब कोई भी अगर सूजन वगैरह हो जाती है पेट के अंदर स्टमक में, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा जिसकी जो रूट्स होती हैं वो ब्लैक स्नेक कहलाती हैं, और इसमें क्रेजिन होता है जिसका उपयोग कोलेरा और नर्वस पेन में, कोलेरा यानी हेजा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हेलीबोरस नाइजर एंड हेलीबोरस फीटिडा, इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जिनका उपयोग लैक्सेटिव के रूप में काम में लिया जाता है। डेल्फिनियम स्टेफिजेरिया, इसका उपयोग एंटी पैरासिटिक ऑइंटमेंट में किया जाता है। थर्ड है ऑर्नामेंटल, हमने देखा कि इनके अंदर बहुत सुंदर फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं, तो गार्डन में कल्टीवेशन का किया जाता है। द सम ऑफ द प्लांट्स आर कल्टीवेटेड इन गार्डन्स फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, रननकुलस, डेल्फिनियम, नारवेलिया, क्लीमेटिस, नाइजेला एंड कल्था। नाउ हम कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। यूजुअली कैसा ये हर्ब्स है, डिवाइडेड लीव्स हैं इसमें। फ्लावर हेमीसाइक्लिक विद वन टू मैनी जनरली फ्री कार्पल्स यहाँ पर होते हैं। स्टेमन्स कैसे हैं,
इनडेफिनेट एंड एक्सट्रोस असंख्य हैं. लीव्स एक्स स्टिपुलेट है. शीथिंग बेस है. फ्लावर हाइपोगाइनस है. सेपल्स यूजुअली पेटेलॉइड होते हैं. कैलिक्स एंड कोरोला फ्री हैं. स्टैमेंस इनडेफिनेट फ्री हैं. कार्पल्स पॉलीकार्पलरी है. एपोकार्पस है. और फ्रूट हमने देखा कि जैसे फॉलिकल है, एकीन है, यानी एकीनों का पुंज हमने देखा. तो फ्रूट एग्रीगेट होता है. यह कुछ फीचर्स हैं जिनसे हम रेनानकुलेसी फैमिली को पहचानते हैं. आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE Raj JDB JEE Kota. धन्यवाद.